मी आता केलं गोरं केलं नंतर मी गोरं करू शकतो मी मला तरी काय हां तरी मी गोरे करू शकतो ठीक आहे रे भाऊ देखो बच्चों मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने देखा था कल पहले तो सबसे पहले आई पीबीटी है ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसके भैया बाद आई पीएससीपीआर थ्योरी उसके बाद आई मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ओके तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आई क्यों तो जब डायमैग्नेटिक नेचर है समझो ऑक्सीजन है तो डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है जो नेचर है कोई मॉलिक्यूल का तो नेचर डिफाइन करने के लिए कुछ जरूरी चीजें थी जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें दी थी जैसे ऑक्सीजन का नेचर है या नाइट्रोजन का तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हेल्प करती है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है सबसे पहले किस बात के लिए हेल्प करती है बॉन्ड ऑर्डर यानी कि सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ये डिसाइड करती है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है कि जब कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन होते वो दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते मगर हर एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल के दो अलग अलग ऑर्बिटल बनते जैसे एक लोअर ऑर्बिटल एक हायर। देखो अब समझाने के लिए बताता हूं आपको कल हमने देखा था जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होता है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी तो उसको कहते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या कहेंगे उसको हम बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और वो दिखाएंगे हम सिग्मा से या पाई से बॉन्डिंग कौन सी होगी सिग्मा या पाई। जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं बेटा हायर एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लेगा और जंप करेगा ऊपर हायर एनर्जी तो उसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कल हमने इसके सिलसिले में देखा है और उसे कहेंगे हम सिग्मा स्ट्राइक पाई स्ट्राइक। इतना समझ में आया था कल कि एक होता है लोअर एनर्जी एक होता है हायर एनर्जी यानी कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्प्लिट होगा दो दो ऑर्बिटल में एक बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो असल में होता क्या है किस तरह से होता है ये डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे। अब हमें एग्जांपल दे दिया जाता है समझो N2 का कोई भी देंगे O2 देंगे वगैरह वगैरह कोई भी H2 हाँ तो हम पहले N2 का एग्जांपल लेंगे। अगर N2 का एग्जांपल लिया है तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि ड्रॉ मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2 एक बोर्ड के लिए। अब नीट के लिए अगर आया तो आएगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है अगर नीट के लिए आया तो दूसरा सवाल आएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने नाइट्रोजन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने यानी दो नाइट्रोजन के एटम में देखो दो नाइट्रोजन के एलिमेंट कंबाइन हो रहे मॉलिक्यूल बन गए नाइट्रोजन का है ना नाइट्रोजन गैस बन गया तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने ये सवाल आएगा। तीसरा आएगा नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने है नंबर ऑफ पेयर ये मॉलिक्यूल पेयरिंग कर रहे तो हर बार हाइब्रिडाइजेशन निकालना जरूरी है नहीं या फिर उन दोनों के बीच में डायग्राम निकाल कर ही पॉसिबल नहीं है तो आसान ये भी है और इससे भी आसान दूसरा है ओके तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी करती क्या है आप समझ लेंगे। देखो मुझे N2 मॉलिक्यूल दिया गया है यानी एक N का और एक N का अलग अलग दो एटम्स दिए गए नाइट्रोजन के सही है दो नाइट्रोजन के एटम्स तो मैं लिखूंगा यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल एओ का मीनिंग क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ये पहले नाइट्रोजन का ये पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल लिख रहा हूं मैं इधर लिख रहा हूं मैं दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ओके तो इस तरह करना है तो नाइट्रोजन का इसी क्या था बेटा एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का 7 है तो इसका इसी क्या बनेगा 1s2 2s2 2p3 सेम दोनों का भी यही आएगा क्योंकि नाइट्रोजन है तो देखो ये बन गया एटॉमिक ऑर्बिटल 1s ये बन गया 2s ये बन गया 2p 3s कहां आएगा 2p आएगा नींद ही नहीं हुई बच्चों की 1s 2s 2p है ना तो ये दूसरे का 1s 2s 2p सही है ओके 1s 2s 2p अब देखो इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है
दो, तो एक दो। हर बार इलेक्ट्रॉन किस तरह से दिखाते हैं हम, हर बार इलेक्ट्रॉन किस तरह से दिखाते हैं, तो ये एरो का जो डायरेक्शन होता है अलग अलग दिखाते हैं, अनपेयर्ड का इस तरह से, दूसरे अनपेयर्ड का इस तरह से, अलग अलग डायरेक्शन में दो दिखाते हैं। वन ईयर्स में दो चले गए बेटा, टू ईयर्स में दो चले गए। अब मैं लिखूंगा वन ईयर्स टू, टू ईयर्स टू चले गए, टू पी, टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी जेड। अब कितने हैं, तीन, तो तीनों की तीनों अनपेयर्ड सिंगल, एक दो तीन। वैसे यहां वन ईयर्स टू, टू ईयर्स टू, टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी जेड, एक एक एक। अब देखो ये दो कंबाइन हो रहे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन का, तो बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कल ही देखा था हमने कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो एक पीटीआर और बना, नंबर ऑफ एओ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एमओ। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, दो, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो, मगर दो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटीबॉन्डिंग। अब देखो जिसकी एनर्जी लेवल नीचे, जिसकी एनर्जी लेवल नीचे वो क्या बना, अरे यहां लिखा था मैंने लोअर एनर्जी लेवल बॉन्डिंग, लोअर एनर्जी लेवल बॉन्डिंग, तो ये बनेगा सिग्मा वन एस, सिग्मा वन एस, सिग्मा स्ट्राइक वन एस। समझ रहे हो क्या, ये एंटीबॉन्डिंग में चला गया, ये क्या बना एंटीबॉन्डिंग में चला गया, तो ये बॉन्डिंग में आ गया। दो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, वन एस के ही बने, मगर वन एस में स्प्लिट हुआ, एक बॉन्डिंग में एक एंटीबॉन्डिंग में। समझ रहे हो, अब टू एस में स्प्लिट हुआ, एक बॉन्डिंग में एक एंटीबॉन्डिंग में, तो टू एस का स्प्लिटिंग होगा टू एस सिग्मा टू एस सिग्मा स्ट्राइक टू एस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ओके। अब ऊपर चलो, अब देखो यहां पे 14 इलेक्ट्रॉन है वहां तक की बात कर रहा हूं मैं, 16 के लिए अलग पढ़ाऊंगा, ओके। 14 तक, 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो आपको ध्यान रखना है 2 में पी एक्स पी वाई, 2 में पी एक्स पी वाई की लोअर एनर्जी होती है। पी एक्स पी वाई की एनर्जी कैसी होती है, लोअर एनर्जी होती है। देखो 2 पी एक्स 2 पी वाई, और ये आपका बना 2 पी जेड। समझ रहे हो क्या, इसकी एनर्जी, तो ये बना सिग्मा 2x 2p, सिग्मा नहीं पाई, एक मिनट, सिग्मा नहीं पाई, पाई पाई 2 पी जेड में सिग्मा बॉन्ड 2 पी जेड में। देखो 14 तक ध्यान रखना है 2 पी एक्स 2 पी वाई, ये बनाएंगे पाई पाई, और पी जेड बनाएगा सिग्मा 14 में, ओके। आगे थोड़ा सा फिर चेंज होगा, एक दिन हमने देखा था ना हाइब्रिडाइजेशन में कि इस तरह से कभी कभी एक्स एक्स बना रहे, टू पी एक्स ओवरलैपिंग हो रहा है, तो कभी टू पी जेड ओवरलैपिंग हो रहा है, दो अलग अलग एग्जांपल दिखे थे हमने, और मैंने कहा था कि दोनों को आपको याद रखना है कि इसमें ये हो रहा है इसमें ये हो रहा है, ओके। तो इस तरह से जब 14 तक आएंगे ना तो 100% आपको याद रखना कि पी जेड ही ओवरलैपिंग करेगा, तो पी जेड इस तरह से देखो, ये पी जेड है, ये पी जेड है, समझ रहे हो क्या, पी जेड ये, और ये आपका पी एक्स, ये आपका पी वाई, तो इसमें पी एक्स में बना पाई बॉन्ड, और ये पी जेड पी वाई में बना पाई बॉन्ड। समझ रहे हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, 14 तक ध्यान रखना है, 14 के लिए पी जेड सिग्मा, 14 के लिए पी जेड सिग्मा, बस इतना ध्यान रखना है। अब बना पाई टू पी एक्स टू पी वाई, यहां बना पाई स्ट्राइक टू पी एक्स टू पी वाई, यहां बना सिग्मा स्ट्राइक टू पी जेड, ओके। तो यहां तक हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे, देखो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक नाइट्रोजन के पास, इधर अलग नाइट्रोजन लिखा है, इधर अलग नाइट्रोजन, दो अलग अलग नाइट्रोजन है जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो वन ईयर्स में दो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल है, वन एस में दो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब यहां का एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहां, वहां का एक इलेक्ट्रॉन चला गया वहां, अभी हाल में ये पेन दूसरा होना चाहिए था मुझे ये सब डायग्राम के लिए,
ये अलग अलग नाइट्रोजन है ना, तो इसके लिए नीला अगर पेन होता तो मैं ये दूसरा नीले से करता, समझ में आ रहा है आपको? तो यहां का बचा हुआ इतना समझ में आ गया सभी को कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हमने किस तरह से किया। 1s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, उसके 1s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ चला गया एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल देखने का यहाँ चार इलेक्ट्रॉन है, दो आर दो चार, एक नाइट्रोजन के दो, दूसरे नाइट्रोजन के दो, दोनों मिलाकर बन गए चार, चार में से यहाँ दो गए, यहाँ दो गए, विषय समाप्त। यहाँ दो है, यहाँ दो है, टोटल मिलाकर चार, चार में से यहाँ दो गए, विषय समाप्त। अब टोटल तीन है और इसके पास तीन है, दोनों मिलाकर बन गए छह, तो छह इलेक्ट्रॉन है, मगर दो दो चार दो छह दो आठ दो दस दो बारह बैठने वाले, तो फिर देने की किस तरह से? तो लोअर टू हायर जाने का, कहां जाने का हमें? लोअर टू हायर, पहले दो यहां, ये इधर का एक, इधर का एक यहां, इधर का दूसरा, इधर का दूसरा यहां, इधर का तीसरा, इधर का तीसरा यहां, इसे समाप्त हो गया। अभी ये एम्प्टी रहेंगे, कौन? एंटी बॉन्डिंग, वो रहेंगे एम्प्टी, दोनों के दोनों एम्प्टी, यानी कि पी टू पी, 2p के एंटी बॉन्डिंग में जीरो है, 2p के, 2p के एंटी बॉन्डिंग, ये ऊपर के कौन है? एंटी बॉन्डिंग, ये नीचे के कौन है? बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग, ओके, तो रहेंगे जीरो। अब आपको एक बहुत ही प्यारा सवाल पूछा जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो आपको तो पता है आपको स्ट्रक्चर N ट्रिपल बॉन्ड N है, आपको पता है इसलिए ठीक है, मगर अगर कुछ मॉलिक्यूल को तो पता नहीं है तो फिर किस तरह से निकाले? तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ढूंढने का कैसे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये कितने? दो, ये चार, चार और चार आठ, आठ और दस, तो मेरे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए दस, तो इसको एन बी लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग दस। अभी ये ऊपर का स्ट्राइक वाला एंटी बॉन्डिंग है, स्ट्राइक वाला क्या है? एंटी बॉन्डिंग, देखो एक एंटी बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग, तीसरा एंटी बॉन्डिंग, चौथा एंटी बॉन्डिंग, तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? दो, दो चार और ये सब जीरो, तो मेरे पास है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चार, राइट। और मेरा फॉर्मूला क्या है? हाफ एन बी माइनस एन ए, अभी याद रखना है हाफ एन बी माइनस एन ए, तो देखो ये हाफ एन बी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? दस, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चार, हाफ छः काटा काटी तीन, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गई मेरी थ्री, बॉन्ड ऑर्डर आ गई थ्री, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है? तीन, एक दो तीन, तो मेरा आंसर ए बी सी में से कहीं तो भी थ्री था, मुझे उसको सेलेक्ट करना, समझ में आ गया? मगर ये इतना निकालने के लिए बेटा इतना करना पड़ रहा है, और वो भी जल्दी करना पड़ रहा है, 30 सेकंड में करना पड़ रहा है, तो बहुत ही दिक्कत है, ये तो बहुत ही दिक्कत है, नाइंसाफी हो गया आपके साथ। और ये करते समय में किसी बच्चे ने गड़बड़ में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिए तो फिर तो कार्यक्रम लग गया, ओके। तो देखो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक, इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक, बाबा बाबा बा, बाबा बा, ये बाबा अलग है, ये बाबा बा अलग है, बाबा बा, क्या आसान ट्रिक है? बाबा बा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ऐसा आपको लिखना है, सही है। अब इसके ऊपर लिखना है आपको दो 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 छे छे, सर क्यों लिखा हमने? कुछ भी नहीं है, जब 14 तक आएगा तब आसानी से आप ये फॉलो कर सकते हो रूल को, ओके। ये बहुत ही आसान ट्रिक्स बनाई हमने, बाबा बा, दो 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 छे छे, तो हमें दिया गया नाइट्रोजन, कितने क्या दिया बेटा हमें? एन टू मॉलिक्यूल दिया, क्या दिया हमें? एन टू, और पूछा हमें कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो क्या करना है? देखो एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन सात, दूसरे के सात, सात दोनी चौदह, चौदह इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो इसकी क्षमता कितनी है? दो, तो दो डाल दो, इसकी कितनी है? दो डाल दो, इसकी कितनी है? दो डाल दो, इसकी कितनी है? दो डाल दो, कितने हो गए? आठ हो गए, बचे कितने?
14 है ना टोटल, तो इसकी कितनी है 6, कि 6 के 6 डाल दो, डाल दिए। आप देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग कितनी है देखो, बी के नीचे देखो, 2, 2, 4 और 6, 10। 2, 2, 4 यहां कुछ नहीं है, 4, 10 माइनस 4 6, हाफ इंटू 6 कैंसिलेशन हो गया, बने 3, तो बॉन्ड आया मेरा ट्रिपल बॉन्ड है। आसा ये कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, जब तक 14 आएंगे। सिर्फ ध्यान रखना है बी ए बी ए, बाद में बी ए बी ए। ओके देखो, 2, 2, 2, 2, 6, 6 बस खत्म। सिर्फ आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने बोला कि मेरे पास 13 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक स्पीसीज है मेरे पास जिसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको 13 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना आना चाहिए। सपोज आप देखो 13 नहीं है 12 करेंगे, C2 मेरी बॉन्डिंग कौन सी है, C2 की बॉन्डिंग है। मैं कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड निकालना चाहता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर किया है कार्बन कार्बन के बीच की। देखो अब फॉर्मूला है BA BA BA, ओके बाबा बा। तो पहले 1, 2, 3, 4 बी ए बी ए में सब 2, 2, 2, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 कार्बन का 12, अब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 12 इलेक्ट्रॉन से 2 यहां 2 यहां 2 यहां 2 यहां दे दी, ये बन गए 8, बचे कितने 4। इसकी क्षमता कितनी है 6 की, मेरे पास है कितने 4, डाल दिए मैंने 4। अब बॉन्डिंग देखो, बॉन्डिंग में देखो 2, 2, 4 और 4, 8 माइनस 4 एंटी बॉन्डिंग में 4 है, 2, 4, 2 और 2, 4 है ना, ये हाफ हाफ इंटू 8 में से 4 गए 4, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी बैक खत्म। ये आसान है ना, ये पूरा निकालने की जरूरत है नहीं, मगर कभी कभी ये पूरा निकालना पड़ता है। सवाल इस तरह से आता है कि पाई स्ट्राइक 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मुझे पाई स्ट्राइक 2px निकालना है तो मुझे डायग्राम तो निकालनी पड़ेगी। ओके इसके लिए भी शॉर्टकट है मेरे पास, ठीक है चलो पास। हाँ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा 6, 6, तो अगर कार्बन का एटॉमिक नहीं 6 एटॉमिक नंबर 6 C2 मॉलिक्यूल है, तो 1s2 2s2 2p 2p2 राइट, इसका भी यही उसका ही यही, तो ये मेरा कार्बन का पहला मॉलिक्यूल, ये मेरा कार्बन का दूसरा मॉलिक्यूल। अब ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल और मेरे सेंटर में जो बन रहे वो है मेरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल राइट। चलो दो पेन आ गए हमारे हाथ में, अब देखो ये कार्बन का लिखूंगा मैं 1s2 में 2, 2s2 में 2, 2p में 2, 2p2 2, तो px में चला जाएगा py में चला जाएगा। ओके तो यहां भी 1s में 2, 2s में 2, अब 2p में 2 चले गए राइट। अब देखो अब 1s का एक इलेक्ट्रॉन चला गया नीचे, एक चला गया ऊपर, 2s का एक चला गया नीचे, एक चला गया ऊपर, अब इसका एक px का एक इलेक्ट्रॉन px में, y का इलेक्ट्रॉन y में, समझ रहे हो, यहां पे एक px में दिया है तो एक px में ऊपर लिखने का है नहीं, ऊपर लिखने का नहीं, यहां देखने का px में इलेक्ट्रॉन है ना, सिंगल है ना, तो सिंगल दे दिया मैंने px में, py में तो py में दे दिया। अब उधर से आओ, इसका एक इलेक्ट्रॉन नीचे एक ऊपर, क्यों क्यों, दोनों चार है और डब्बे तो दो ही है, इसलिए कहां भी दो, यहां पे चार है डब्बे दो ही है, एक यहां एक यहां, मगर यहां पे दो ही इलेक्ट्रॉन है डब्बे तो बहुत सारे है। ओके तो देखने का इलेक्ट्रॉन पी एक्स में रहता है, तो पी एक्स का इलेक्ट्रॉन आया पी एक्स में, पी वाई का इलेक्ट्रॉन आया पी वाई में, ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे अब, पहले ये फुलफिल होगा। ओके तो देखो अब इतना फुलफिल होने के बाद मुझे बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने है, पहला सवाल 0, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने है, तो गिनो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 कितने 12 के 12 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ओके चलो उसके बाद
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग है दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, दो बारह, सही है? नहीं, ये है बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, सही है? तो बॉन्डिंग में देखो दो, बॉन्डिंग में दो चार, और चार आठ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बन गए बेटा आठ। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग देखो, ये स्ट्राइक वाला, स्ट्राइक एंटी बॉन्डिंग, स्ट्राइक एंटी बॉन्डिंग, स्ट्राइक एंटी बॉन्डिंग, दो और दो चार। अब बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी टू, सी टू के बीच की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी? हाफ, फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए, एन बी माइनस एन ए। अब हाफ इंटू एन बी कितना है बेटा? आठ। एन ए कितना है? चार। हाफ इंटू आठ में से चार गए, चार। अब कैंसिलेशन हो गया, बचे दो, यानी सी टू के बीच में बॉन्ड आया बेटा डबल बॉन्ड, सी टू के बीच में बॉन्ड आया डबल बॉन्ड, समझ में आए? ये कब तक लागू है मेरा? जब तक मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चौदह इलेक्ट्रॉन है, चौदह तक ही मैं ये डायग्राम को लागू करूंगा, चौदह के बाद अलग डायग्राम लेंगे। ओके, समझ में आ गया? चलो लिख लो।